यदि आपने भी एक से ज्यादा कंपनियों में काम किया हुआ है और सबकी जो सर्विस हिस्ट्री है कुछ इस तरीके से है, किसी में 4 साल है, किसी में 1 साल है, किसी में 1 साल भी नहीं है, केवल और केवल 8 महीने है, और ऐसे में आपको भी डाउट हो रहा है कि भैया ये पुराने वाली जो कंपनी है उनके पेंशन का पैसा मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कब मिलेगा, तो जी हाँ फ्रेंड, जैसे कि काफी लोगों के कमेंट रेगुलर रिसीव होते हैं, तो आज के इस नए वीडियो में पूरे डिटेल्स में मैं आपको दिखा दूंगा लाइव प्रूफ के साथ, जिससे कि आने वाले समय में आपको कभी भी ऐसा डाउट नहीं होगा। देखिए फ्रेंड, जैसे कि इनके केसेस में मैं आपको दिखा देता हूं, इन्होंने 3 कंपनियों में काम किया है। जो सबसे पहली कंपनी थी उसमें इन्होंने 1 साल 1 महीना काम किया हुआ है, बाद में इन्होंने 1 साल 9 महीने यानी कि लगभग 5 साल काम किया हुआ है, और जो लास्ट वाली कंपनी है इसमें तो इन्होंने 1 साल भी नहीं काम किया हुआ है, 8 महीने में ये कंपनी छोड़ दिया है। भैया डाउट तो बनेगा ही, पुरानी वाली कंपनी का पेंशन का पैसा कहाँ जाएगा। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, इसके लिए हम जाएंगे सबसे पहले पासबुक वाले ऑप्शन पे जाएंगे और इनका सभी तीनों कंपनियों का पैसा हम पहले जोड़ के देखेंगे, बाद में हम देखेंगे कि इनका निकला है कि नहीं निकला है। तो देखिए पासबुक वाला ऑप्शन ओपन होकर के आ चुका है। अब यहाँ पे देखिए पहले मेंबर आईडी एक एक करके हम देख लेंगे। सिलेक्ट मेंबर आईडी में बाय डिफॉल्ट इनका करेंट वाला सिलेक्टेड है, लेकिन मैं सबसे पहले यहाँ ये वाली कंपनी से शुरुआत करता हूँ। आपको मैं दिखा दूंगा कुछ डिटेल्स जिससे कि आपको पता चल सके कि मैं तीनों कंपनी का यहाँ दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे 481 वाले को हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब 481 वाले में इनका जो पेंशन का पैसा है वो कितना था हम देख लेते हैं। देखिए 8052 रुपये था। चलिए मैं कैलकुलेटर भी निकाल लेता हूँ, साथ साथ जोड़ भी लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा कैलकुलेटर ओपन होकर के आ चुका है। अब मैं यहाँ पे इनका एक कंपनी का जो जितना भी पैसा था वो लिख लिया है मैंने। अब उसके बाद से यहाँ पे ऊपर की साइड आएंगे और यहाँ पे जो दूसरी बीच वाली कंपनी है ना, ये जिसमें इन्होंने ज़्यादा काम किया, लगभग 5 साल काम किया है, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो देखिए भैया 5 साल काम किया है तो इसका पैसा भी ज़्यादा होगा पेंशन का, तो देख लेते हैं कितना है। तो देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे इनका टोटल जो पेंशन का अमाउंट है वही हम यहाँ पे जोड़ रहे हैं, क्योंकि इसमें ही डाउट होता है सबको। अब प्लस करेंगे लास्ट वाली जो कंपनी है ये भी हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे लास्ट वाली कंपनी को सेलेक्ट कर लेते हैं, जो 82 है, 82 है लास्ट में। इस वाले कंपनी में हम देख लेते हैं कितना इनका पेंशन का पैसा है, तो आप देख सकते हैं 10,800 रुपये है। तो यहाँ पे इसको भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद से कैलकुलेटर तो हमारे पास है ही है, यहाँ पे हम जोड़ लेते हैं। देखिए हमने जोड़ लिया है ये लास्ट वाली कंपनी का भी और यहाँ पे इक्वल टू कर लेते हैं, तो इनका 72,507 रुपये होता है, यानी कि इनको इसके आसपास पैसा ज़रूर मिलना चाहिए। अब फ्रेंड्स यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि जो भी आपका पैसा बनता है उससे 2-3 हज़ार आगे पीछे हो जाता है, ये EPFO के कैलकुलेशन के हिसाब से। ज़्यादा कैलकुलेशन आप समझना चाहते हैं तो EPFO का टेबल डी वाला वीडियो ज़रूर आप देख लीजिएगा। इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में भी मैं पिन कर दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्ट देख पाएंगे। टेबल डी के हिसाब से EPFO कैलकुलेट करता है और उसमें भी आपका NCP डे जो होता है, नॉन कंट्रीब्यूशन पीरियड है, उसका पैसा नहीं मिलता है। लेकिन जो इतना रुपया इनका देखने को मिल रहा है तो इसके आसपास इनका पैसा निकला है कि नहीं निकला है हम देख लेते हैं। देखिए इसको हम माइनस कर देते हैं, मिनिमाइज कर लेते हैं और उसके बाद से क्लेम्स वाले ऑप्शन पे चले जाते हैं। क्लेम्स वाले ऑप्शन पे जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ देखने को मिलेगा, देखिए कि यहाँ पे पेंडिंग तो इनका कुछ भी नहीं है क्योंकि इन्होंने सेटल कर दिया, पूरा पैसा निकाल लिया है। अब यहाँ पे रिजेक्ट एक बार हुआ था तो रिजेक्शन में नहीं जाने वाले हम, यहाँ पे सेटल क्लेम्स वाले ऑप्शन पे जाएंगे और इनका जो रिजाइन करके इन्होंने पैसा निकाला है फॉर्म नंबर 10C पेंशन का जो पैसा इन्होंने निकाला है वो मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पे इनका 70,000 तो पूरा पूरा नहीं निकला है, लेकिन यहाँ पे 70,000 में कुछ ही रुपए यहाँ पे कम देखने को मिल रहे हैं। देखिए यहाँ पे इनका जो पैसा निकला है 69,805 रुपये निकला है, जिसमें जो कि डिफरेंट है वो भी हम देख लेते हैं डिफरेंट कितना है इनका। तो यहाँ पे माइनस में कर लेता हूँ और ये तो लगभग इनका 2,702 रुपये के आसपास इनका डिफरेंट अमाउंट यहाँ मिला है, यानी कि जो पिछले कंपनीज है इनका पूरा पैसा इनको मिल चुका है। अब इसके बाद इनके PF में कुछ पैसा ही नहीं है कि ये निकाल पाएंगे। यहाँ पे आप होम पेज पे भी जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि 100 देखने को मिल रहा है। इन्होंने पूरा पैसा निकाल लिया, यहाँ तक कि PF का भी पैसा निकाल लिया और PF के बाद पेंशन का भी पूरा पैसा निकाल लिया है। अब जैसे कि अगर आप यहाँ पे ऊपर की साइड सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा तीनों के तीनों कंपनी में इनका जो पैसा है वो 00 देखने को मिल रहा है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ लोगों के पैसे फंस जाते हैं इसलिए क्योंकि ये जो पुरानी कंपनी है ना, इसका पैसा आपको ट्रांसफर करना होता है नई वाली कंपनी में,
तो ही आप पूरा पैसा निकाल पाते हो। अगर इन्होंने पुरानी कंपनी का पैसा ट्रांसफर नहीं किया होता नए वाली कंपनी में तो ये भी नहीं निकाल पाते, केवल और केवल करेंट वाली जो कंपनी में 8-10 हज़ार रुपये देखने को मिल रहा था ना वही निकलता, पुराना जो भी इनका पैसा था 50,000-60,000 रुपये वो बिल्कुल फंस जाता पूरी तरीके से। अब यदि आपके केसेस में यहाँ पे किसी कंपनी में पैसा देखने को मिल रहा है ना तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने करेंट वाली कंपनी में पैसा ट्रांसफर ही नहीं किया हुआ था। अब इसके लिए आप कोई नई वाली कंपनी ज्वाइन करेंगे तो उस कंपनी में आप भले ही ट्रांसफ़र कर पाएंगे, बिना ट्रांसफ़र किए आप पूरा पैसा नहीं निकाल सकते हैं। और ट्रांसफ़र किस तरीके से करते हैं इसके लिए अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, वो वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में भी उसका लिंक दे दूंगा। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।